इस वक्त की एक और बड़ी खबर, ड्रग्स केस में फंस गई हैं भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया। गिरफ्तारी हो चुकी है, मेडिकल के लिए ले जाया गया है और आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। एनसीबी मुंबई के साइन अस्पताल में मेडिकल करवा रही है, इसके बाद दोनों की आज पेशी होगी। एनसीबी ने हर्ष से 18 घंटे तक पूछताछ की है। ड्रग्स केस में भारती सिंह और उनके पति की गिरफ्तारी हुई है। छापेमारी में घर और दफ्तर से मिला था गांजा और उसके बाद एनसीबी की टीम इन्हें कस्टडी में लेकर कल शाम को अपने दफ्तर लेकर आई थी और वहां पर सवालों की लंबी फेहरिस्त इन दोनों के सामने रख दी गई। लेकिन एनसीबी के सवालों के घेरे में ये फंसते चले गए। इनकी तमाम दलीलें एनसीबी के सवालों के सामने दम तोड़ती नजर आई और आखिरकार कल शाम को गिरफ्तारी हो गई थी भारती सिंह की। और अब गिरफ्तारी हो गई है 18 घंटे की पूछताछ के बाद उनके पति हर्ष लिम्बाचिया की। मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीरियल का रुख करते हैं। शैलेंद्र, सवाल गंभीर थे, सवाल कड़े थे एनसीबी के, इसीलिए भारती सिंह और उनके पति की दलीलें दम तोड़ती नजर आई। क्या अपडेट जानकारी और आपके पास? मेडिकल होने में अभी कितना वक्त लगेगा? देखिए, मेडिकल के लिए साइन अस्पताल दोनों को ले जाया गया है, वहाँ पर मेडिकल का प्रोसेस जो है वो शुरू हुआ है। थोड़ा सा आधे पौने घंटे का वक्त लगेगा मेडिकल पूरा होने में, लेकिन 11:30 बजे इसी कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। ये एस्प्लेनेड कोर्ट है, किला कोर्ट के नाम से जाना जाता है और यहीं पर 11:30 बजे के आसपास भारती और उनके पति को यहाँ पर पेश किया जाएगा। दोनों के पास से प्रतिबंधित दवाइयाँ और गांजा मिला था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में दोनों ने कबूल किया कि वो गांजे का सेवन करते हैं और उसी बिना पर NDPS एक्ट के तहत ये पूरा मामला जो है वो दर्ज हुआ। तकरीबन 4 घंटे की पूछताछ के बाद भारती को कल गिरफ्तार किया गया था, लेकिन हर्ष लिम्बाचिया से देर रात तक पूछताछ होती रही और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और आज यहां पर उन्हें पेश किया जाना है। जांच चल रही है। अगर एनसीबी की बात करें तो सूत्रों की माने तो एनसीबी इस मामले में रिमांड की मांग करेगी, क्योंकि एनसीबी का कहना है कि और भी ऐसे तथ्य हैं जो जानकारी चाहिए उन्हें कि क्या कहीं और भी इनका चेन जो था कहीं और लंबा तो नहीं था, क्या और भी लोगों से ड्रग्स या गांजा मंगाने का काम किया जाता था, किन किन लोगों को पैसा जाता है, तमाम चीज़ें हैं जो अभी एनसीबी की टीम को पता करना है। और इसीलिए हो सकता है कि एनसीबी की टीम भारती और उनके पति का आज रिमांड मांगेगी। जी ठीक है, ये एक बड़ी जानकारी है कि रिमांड मांगेगी एनसीबी की टीम शैलेंद्र, और जिस तरीके से जानकारी आगे बढ़ी है, फिलहाल ये तस्वीरें जो सुबह की तस्वीरें हम तक पहुंची थी जब उन्हें मेडिकल के लिए ले जाया गया था भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया को, ये तब की तस्वीर है। मेडिकल के बाद उन्हें किला कोर्ट में पेश किया जाएगा शैलेंद्र। लेकिन एक बड़ा सवाल तो उठता है, जिस तरीके से एनसीबी ने एक मुहिम छेड़ रखी है कि जो नशे की जो चेन है उसे तोड़नी है, और उस सिलसिले में भारती सिंह और उनके पति की गिरफ्तारी, जिस तरीके से घेरा कसा है, जिस तरीके से सवाल थे, जो परिस्थितियां लग रही हैं, आपको लगता है कि क्या आज कोई राहत इन्हें कोर्ट से मिल सकती है? देखिए, एक चीज़ तो समझ लीजिए कि एनसीबी के रडार पर तमाम वो लोग हैं जो ड्रग्स का सेवन किसी न किसी रूप में करते हैं, और जैसे ही किसी भी ड्रग पेडलर द्वारा एनसीबी को यह जानकारी मिलती है कि किसी शख्स को उसने सप्लाई की है, तो सीधा एनसीबी की टीम वहां पर रेड करने के बाद कोशिश करती है कि सबूत इकट्ठा किया जाए, जो कि भारती के केस में भी हुआ है। भारती के केस में गांजे की बरामदगी हुई है, कुछ दवाइयाँ मिली हुई है, वो तमाम चीज़ों को आज कोर्ट में दलील दी जाएगी एनसीबी की तरफ से। रिमांड कॉपी हाथ लगने के बाद ये साफ हो पाएगा कि और भी क्या चीज़ें उसमें निकल कर सामने आई हैं। लेकिन एनसीबी ने अपना जांच का दायरा जो है वो लगातार फैलाया है और इस मामले में नया केस रजिस्टर किया है एनसीबी ने, सबसे बड़ी बात ये है। और एनसीबी ऐसी किसी भी शख्स को नहीं छोड़ना चाहती जो ड्रग का सेवन कर रही है, क्योंकि सुशांत सिंह के मौत के बाद जिस तरह से ये मामला बढ़ा है, एनसीबी ने पूरी तरह से अपनी जो ताकत है वो मुंबई में झोंक दी है और बॉलीवुड की एक एक जो कनेक्शन है। ठीक है शैलेंद्र, हम आगे भी आपसे बातचीत करते रहेंगे, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। सोचिए, कॉमेडी की दुनिया में बड़ा नाम है भारती सिंह का, जब स्क्रीन पर आती है तो लोगों को हंसाती है, गुदगुदाती है, उनके जो चुटकुले होते हैं वो लोगों को लोटपोट कर देते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका नाम आज बदनाम हो रहा है, क्योंकि वो ड्रग्स के फेर में फंसी हैं, क्योंकि उन पर गांजा लेने का आरोप लगे हैं, क्योंकि वो एनसीबी के शिकंजे में है। इस पूरे मामले में गिरफ्तार भारती सिंह ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। भारती सिंह का कल का बयान था जब उन्हें पूछताछ के लिए अपनी कस्टडी में लेकर जा रही थी एनसीबी की टीम।
उस दौरान उससे सवाल पूछा गया था, लेकिन उन्होंने सीधे से सवालों का जवाब नहीं दिया, बात को टालते नजर आई जैसे ये कोई छोटी बात है। लेकिन उन्हें अब इस बात का एहसास हो रहा होगा कि दरअसल जिस तरीके से एनसीबी ने उन्हें कस्टडी में लिया, जिस तरीके से वो आरोपों में घिरी है, ये कोई छोटी बात नहीं है और फिलहाल इनका इस घेरे से निकलना थोड़ा सा मुश्किल जरूर है।